छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर शहर का तेजी से विकास हो रहा है और उतनी ही तेजी से स्मूथ ट्रैफिक के लिए चौड़ी सड़क और फ्लाईओवर की भी जरूरत पड़ी। इन्हीं जरूरतों के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है। रायपुर में किन किन जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है उसकी ग्राउंड तस्वीर हमारे संवाददाता राजेश राज आपको दिखाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी रायपुर में 4 फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है और इसके बाद यहां के शहर के लोगों को काफी राहत मिलेगी। उसमें से एक स्पॉट ये है, तेलीबांधा का पॉइंट है। ये आरंग की तरफ से सड़क आती है और यही सड़क चली जाती है दुर्ग भिलाई की तरफ में, राजनांदगांव की तरफ में, और एक इसी तरफ से ब्रांच निकलता है और रायपुर शहर में एंटर होता है। क्योंकि ये वाई शेप हो जाता है, लिहाजा चुनौती बहुत है यहाँ पर ट्रैफिक संभालने की, और कई प्रयोग किए गए लेकिन ये चुनौती संभली नहीं। कई बार एक्सीडेंट होते हैं या फिर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। अब उससे निजात मिलेगी और यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। DPR बनने का काम भी शुरू हो चुका है और 1.5 से 2 साल में यहाँ पर फ्लाईओवर बनकर के तैयार हो जाएगा। रायपुर में यहाँ पर भी फ्लाईओवर बनना है और ये उद्योग भवन सामने आप देख रहे हैं और इसी चौक के आगे फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ है। देखिए कैसी स्थिति बनती है। ये इस तरफ से आरंग की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और ये जो सामने जाता है ये भिलाई की तरफ जाता है और उसी पे एक क्रॉस की स्थिति बनती है क्योंकि लेफ्ट में आपको महावीर नगर की तरफ ट्रैफिक जाती है और इसी के चलते आए दिन ऐसे ही हॉटस्पॉट ट्रैफिक आपको दिखाई देगा। जो रिंग रोड पे सर्विस लेन है वो भी कई बार जाम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है जो क्रॉस मूवमेंट करती है। ये सामने देखिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जरूर लगी हुई है, उसके बावजूद भी आपको ट्रैफिक बहुत स्मूथ चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। सामने से ट्रैफिक रुकी है, इस तरफ से ट्रैफिक जाना है, बीच सड़क पे जाम है और जो आरंग भिलाई की तरफ से ट्रैफिक है वो अभी भी आ रही है। इस पॉइंट पे जो आए दिन जाम लग रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, वो दूर होगी और फिर लोगों को राहत मिलेगी। रिंग रोड नंबर 1 के सरोरा चौक पर मौजूद है और जो 4 फ्लाईओवर की घोषणा हुई है, स्वीकृत हुई है, उसमें एक जगह ये भी है। यहाँ पर वो तस्वीर देखिए कि क्यों जरूरी हो गया है। ये रिंग रोड नंबर 1 है, सामने की जो सड़क देख रहे हैं आप भिलाई की तरफ जाते हैं, दुर्ग भिलाई राजनांदगांव की तरफ है, ये NH है और इसके इस तरफ में कॉलोनी है अरिहंत नगर, इसी में आमाना का, और इसके ठीक दाहिने तरफ आप देखेंगे तो ये सरोना की कॉलोनी आपको नजर आ रही है। यानी अब यहाँ पर चौराहा की स्थिति निर्मित होती है और इसी के चलते ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट की खबरें रिपोर्ट हुई है और बड़े दिनों से मांग थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर होना चाहिए ताकि जो ऊपर की ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर से गुजर जाए और नीचे क्रॉस करने वाले लोगों को मुश्किल ना हो और वो आराम से निकल सके। तो ये घोषणा पूरी हो चुकी है और इसके बाद करीब 1.5 से 2 सालों के भीतर ये समस्या भी निजात मिल सकेगी यहाँ के लोगों को, राजधानी के लोगों को, और एक बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।